दरअसल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, सर्वे कराया जाएगा। जो लोग यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी सौगात हरियाणा सरकार की मानते हैं? देखिए मनोहर लाल जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का हम लोगों को स्लोगन ही नहीं दिया था, उसी के ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में काम होता है। पूरे देश के रहने वाले सभी निवासियों को मकान मिले ऐसी योजना के लिए हरियाणा सरकार ने भी एक डिपार्टमेंट बनाया है। मैंने पटेल नगर के सभी लोगों को बोला है कि अपना डाटा बनाएं, जिन्होंने डाटा जब मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि कितने मकान यहाँ इनको रिक्वायरमेंट है तो इनको यहाँ या आसपास कहीं किसी जगह में उतने मकान हम अलॉट करा पाएँ। क्योंकि मोदी जी का और मनोज जी का यही नारा है कि जब तक समाज के हमारे अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा हम नए भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज पुनः पटेल नगर के बीच में घोषणा करता हूँ कि इन सबका जब मुझे डाटा मिल जाएगा तो उस डाटा को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा और उन्हें यहाँ की एक्चुअल स्थिति से अवगत कराऊँगा कि भाई हमारे इतने लोग ऐसी ज़िंदगी में स्लम में ना जी के एक अच्छी डेवलप्ड कॉलोनी में जिए, ऐसे प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।